आलमी हर्बल दवाखाने की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज जाने सिरस को किस किस ज़ुबान में किस किस नाम से जाना जाता है और कितने मुकामों पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी लें। इसकी जानकारी से पहले अगर से आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाएं। तो जाने सिरस को अरबी में सुल्तानुल अज़्ज़ार, फ़ारसी में दरख्त ज़करिया, पंजाबी में शीरी, मराठी में सरस, गुजराती में सरमटरू, बंगाली में सरेस गाछ सरस, सिंधी में सरथन और अंग्रेज़ी में एकाकिया स्पेसियूज़ा और कई दूसरी ज़ुबानों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक बड़ा दरख्त है, इसके पत्ते इमली के पत्तों के मानी, लेकिन इनसे बड़े और फलियां लंबी लंबी चौड़ी लगती हैं। इनमें अलसी के मानी, लेकिन इनसे बड़े तुख्म होते हैं। ज़्यादातर इसकी छाल और तुख्म दवा में इस्तेमाल किए जाते हैं। मिजाज गर्म खुश्क, दर्जा दोयम, अफाल सिर्ज जाली, मुहलिल और मुजफ्फिफ है। अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल करने से मुसफ़ी खून है, तुख्म सिरस जाली और मुगलिज मनी भी है। शबकोरी के इजाले के लिए सरस के पत्तों का पानी आँख में कुतूर करते हैं। छाल को बारीक पीसकर जख्मों को खुश करने के लिए बारीक पीसकर उस पर जख्मों पर छिड़कते हैं। और पानी में जोश देकर दांतों के दर्द को तस्कीन देने के लिए, मसूड़ों को मजबूत करने के लिए मजमजे कराते हैं। और पानी में पीसकर मुहासों को दूर करने और फोड़े फुंसियों को तहलील करने के लिए भी लगाते हैं। और अमराज फसाद खून में जोश देकर पिलाते हैं। बयान किया जाता यह है कि पौष सिरस का जोशांदा पीना बिलखासा औरामे बदन को तहलील करता है। तुख्म सिरस को हिलासों में शामिल करके नज़ला ज़ुकाम में सुंघाते हैं और बारीक खरल करके शबकोरी, ब्याज़े चश्म और गुबारों खारिश चश्म में लगाते हैं। सफ़ूब बनाकर ज़ोफ़ीबा और रिकत मनी को दूर करने के लिए खिलाते हैं। शहद में माजून बनाकर खिलाना खनाजीर का खात्मा करता है। और नफ़ा ख़ास ये है कि ये मुगलिज मनी और मुकव्वी दंदान है, मुज़िर खुश्क मिजाजों को होता है, मसला रोगन जर्द होता है। मिकदार खुराक छाल 5 मासा से 7 मासा तक, तुख्म 1 मासा से 2 मासा तक। मुकाम पैदाइश भारत और दीगर ममालिक हैं। और इसके बीज खून को रोकने के लिए बेहतरीन दवाई है, आप भी इसको इस्तेमाल कर फ़ायदा हासिल करें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाली और मौजूदा तमाम वीडियो आपको मिलती रहें, आप उससे पूरा फ़ायदा हासिल करते रहें। और इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। आदाब।